परिणाम से कई सवाल निकल कर आते हैं और इस वक्त जो चुनावी परिणाम हमारे सामने है कि कानपुर के आर्यनगर विधानसभा सीट से सपा के अमिताभ वाजपेयी अगर जीते हैं तो सलिल बिश्नोई हारे हैं, और सलिल बिश्नोई हारे हैं तो जाहिर सी बात है सवाल उठते हैं। 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, और अगर इस लहर में, क्योंकि अब 313 तक मामला भारतीय जनता पार्टी का पहुंच रहा है, इस लहर में अगर वाजपेयी जीतते हैं तो निश्चित तौर पर यह उनका जो लोकल सपोर्ट है या उनकी ताकत है उसको प्रदर्शित करता है, और अगर सलिल बिश्नोई हार रहे हैं या हारे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी लोकप्रियता क्या कम हुई है, ये सवाल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता चेतन गुप्ता मौजूद है। चेतन, हम जरूर जानना चाहेंगे पूरी खबर आपसे। देखिए, जो विधानसभा चुनाव के रुझान सामने आए हैं, जो नतीजे सामने आए हैं, उसमें एक बड़ा हैरत अंगेज चीज सामने आई है कि आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के विधायक सलिल बिश्नोई, इनको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी अमिताभ वाजपेयी ने टक्नी दे दी है। करीब इन्होंने जो वोट जीत हासिल की है 5,729 वोटों से जीत गए हैं, 70,636 वोट इनको मिले हैं, और जबकि सलिल बिश्नोई को 64,897 वोट मिले। 18 चक्रों की गिनती हुई है, 18 राउंड जो काउंटिंग हुई उसके बाद ही नतीजे सामने, हालांकि अभी डिक्लेयर नहीं किया है लेकिन नतीजे साफ हो गए हैं, जो कि 18 चक्र की गिनती होनी थी 18वें चक्र के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। अमिताभ वाजपेयी जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी है, 70,626 वोट इनको मिले हैं, और जो सलिल बिश्नोई है बीजेपी के, उनको 64,897 वोट मिले हैं। और इसके अलावा कांग्रेस जो है दो विधानसभा की अगर बात करते हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, ये भारी बढ़त ले चुके हैं, कुल मिलाकर इनकी जीत पक्की मानी जा रही है। इसी तरह से तमाम सीटें भगवती प्रसाद सागर है बिल्लौर विधानसभा क्षेत्र से, जहां से उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। त्रिवेदी की जीत पक्की मानी जा रही है, किसवाईनगर विधानसभा क्षेत्र से भारी बढ़त ले चुके हैं वो। कुल मिलाकर ऐसे भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो यकीनपुर के नतीजे सामने आए थे वो सही साबित होते नजर आ रहे हैं, और कई चीज का इससे तो फंस हुई है लेकिन वहाँ पे बीजेपी बड़ा बनाए हुए हैं, तो उम्मीद करती है कि कमल कानपुर नगर की सीटों का कमल खिलेगा जी। हाँ चेतन, हम एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि जो कानपुर की जो सीटें हैं उनमें एकदम ये बताइए कि कितनी सीटों पर सपा है, 1 पे या 2 पे? चेतन हेलो, कानपुर जनपद की कितनी सीटों पर सपा है, 1 का परिणाम आपने बता दिया। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटों की हम बात करते हैं तो कल्याणपुर में नीलिमा कटियार जो है वो भी आ गए हैं बीजेपी से, वो बढ़त बनाए हुए हैं। इसी तरह से बिठूर विधानसभा है, वहाँ पे अभिजीत सांगा है बीजेपी से, वो बढ़त बनाए हुए हैं और भारी बढ़त बनाए हुए हैं, उनके आस पास भी कोई भटक रहा है। और इसी तरह से बिल्लौर विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ तो भगवती प्रसाद सागर है जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इनके अपोजिट में समाजवादी पार्टी से पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे सुकुमार बेरिया और पूर्व विधायक है बसपा के कमलेश दिवाकर, ही चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ से भगवती प्रसाद सागर बढ़त बनाए हुए, भारी बढ़त बनाए हुए हैं, इनके आसपास भी कोई नहीं है। इसी तरह सीतामुख विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा झटका लगा है, हालांकि शुरुआती दौर में संघर्ष देखने को काटे टक्कर देखने को मिली थी। सुरेश अवस्थी बीजेपी के प्रत्याशी है, इरफान सोलंकी जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, दोनों में टक्कर देखने मिली थी लेकिन इस बार इरफान ने भारी बना दी है, हालांकि अभी नतीजे घोषित नहीं हुए हैं। इसके अलावा इसी तरह से अगर हम बात करें आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ पे ब्लड टेस्ट देखने को मिला है, बीजेपी के 3 बार के विधायक थे सलिल बिश्नोई, इनको पटकनी दी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी अमिताभ वाजपेयी ने, यहाँ करीब 6,000 के करीब वोटों से इन्होंने चुनाव जीते हैं ये। और इसके अलावा सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र और कैंट का जरा हाल बता दीजिए। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के नतीजे सामने अब तक आए हैं, आपको उसमें शुरुआत में काटे टक्कर सीसामऊ में देखने को मिल रही थी लेकिन अब इरफान ने बढ़त बना रही है सीसामऊ में जी। और कैंट के बारे में, सीसामऊ में इस समय 40,923 वोट मिले हैं सोलंकी, इरफान सोलंकी जो समाजवादी पार्टी के, अब इनके जो अभी सामने नतीजे आए हैं 12 चक्र पूरे हो चुके हैं, तो 59,311 वोट समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी को है और 35,793 वोट जो है सुरेश अवस्थी के हैं जो बीजेपी के हैं। तो चूंकि अब काफी बढ़त ना लिए इरफान सोलंकी तो 3 सीट खाते जाती है, ये सीट समाजवादी पार्टी खाते जाती दिख रही है। इसी तरह सुहेल अंसारी की अगर बात छावनी से बात करते हैं,
छावनी में शुरुआत से काफी टक्कर देखने को मिली। स्थिति ये रहेगी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी थे सुहेल अंसारी और बीजेपी के रघुनंदन बदौर जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी स्थिति सुहेल अंसारी जो हैं 42,679 वोट इनके हैं इनको और करीब 12 चक्रों की गिनती पूरी हो चुकी है, 12 पूरे हो चुके हैं और 38,014 वोट जो हैं ये रघुनंदन भदौरिया को मिले हैं। तो कुल मिला के अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि जीत हार अभी बाकी नतीजे घोषित होना बाकी है और कुछ राउंड बाकी भी है इसमें और जो नए रुझान मिले हैं तो नए रुझान आए हैं 58,401 वोट मिले हैं रघुनंदन भदौरिया को और सुहेल अंसारी जो है गठबंधन के प्रत्याशी उनको 61,133 वोट है तो करीब 2,000 वोटों का अंतर है इनके बीच में। इनमें संघर्ष चल रहा है हालांकि अभी कुछ टकराव पूरे होने हो सकता है कि बीजेपी क्योंकि कई बार इन्हें ऊपर नीचे की स्थिति देखने को मिली है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी है कई बार ऐसा हुआ कि वो बड़क बनाए हुए थे और फिर कई राउंड में ऐसा देखने को आया कि रघुनंदन भदौरिया बीजेपी के दो बड़क बनाए हुए थे तो अभी हालांकि काटे टक्कर चल रही है तो कुछ कहना मुश्किल होगा। चलिए ठीक है चेतन, जब कुछ निर्णय आएंगे तो हम आपके पास दोबारा आएंगे और आप नजर बना के रखिए जहाँ पर